This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 53 संशोधनात ऋते येषां रुक्षणं संप्रवक्षते न तेषां स्नेहनां शस्तं उत्सन्न कफमेतसाम अभिषण्णा अभिषण्णाः अननगूदा नित्यमन्दाग्नयाः चये तृष्णा मूर्छा परिताः च गर्भिणीः तालुशोषिणाः अन्नात् विष छर्दयन्तो जठर आम गरार्दिताः दुर्बलाः च प्रतान्ताः च स्नेहग्लाना मदातुराः न स्नेहा वर्तमानेषु न नस्तो बस्तिकर्मसु स्नेहपानात् प्रजायन्ते तेषां रोगाः सुदारुणाः। इस पूरे सूत्र में अधिकरण है स्नेहन किसे नहीं करना है। पहला अधिकरण था कि रुक्षणीय व्यक्तियों को स्नेहन नहीं करना है। येषां रुक्षणं संप्रवक्षते तेषां स्नेहनम न शस्तम। जिनको रुक्षण करने के लिए ग्रंथकार कहते हैं उनको स्नेहन नहीं करना है। और इस विषय में हमने किसको रुक्षणीय कौन है उस पर भी चर्चा की थी, और उनमें वाग्भट ने रुक्षण करने के लिए कहा है और चरक ने भी विविध लंघन गुंघणी अध्याय में उसका वर्णन, रुक्षणीय व्यक्तियों का वर्णन और उनमें क्या करना चाहिए ये भी बताया था, वो भी हमने देख लिया है। अब यहाँ पर कल मुझे इसे ध्यान में आया कि कुछ शंकाएं अभी बाकी हैं। किस विषय में? तो संशोधन किए बिना स्नेहन नहीं करना, यानी रुक्षण भी करना है तो रुक्षण दो पद्धति से किया जाता है। एक रुक्षण द्रव्यो देकर तक्र त्रिकटु गोमूत्र इत्यादि, इनसे पहले रुक्षण किया जाता है। यह एक तरीका शमन का, शमन रुक्षण का। और दूसरा तरीका है शोधन का। चरक कहते हैं कि शोधनेन विरुक्षन्ते, शोधन से रुक्षण करने के बाद फिर उनको यदि आवश्यक हो तो स्नेहन और अन्य शोधन जो करना है वो आप कर सकते हैं। शोधनांग स्नेहन करने के पूर्व एक या दो जितने भी आवश्यक है ऐसे शोधन इन व्यक्तियों में जो मांसला मेदुरा भूरिश्लेष्माणा अभिषण गुदानना वगैरह वगैरह है, उत्सन्न कफमेदसाम, इनको करना चाहिए। यानी या तो उनको द्रव्यों से रुक्षण करो या तो शोधन से रुक्षण करके फिर स्नेहन करके अगले शोधन प्रक्रिया करते रहो। और ऐसी अवस्था बलवान व्याधि में आती है, जैसे उदर है, गुल्म है, कुष्ठ है, प्रमेह है, विसर्प है, इनमें श्वास है, इनमें आप स्नेहन देकर शोधन नहीं करते, पहले रुक्षण करना पड़ता है। और रुक्षण में भी कभी कभी इतने बलवान दोष हो तो पहले शोधन करके फिर स्नेहन करना पड़ता है, स्नेहन और फिर रुक्षण, रुक्षण और फिर स्नेहन करना पड़ता है। अब ये अवस्था पहचानना और उसका शोधन कैसे करना, इस विषय में सबके मन में आशंकाएं हैं।
तो उसका उत्तर यह है कि जिनका देश अनुप है, हेतु श्लेष्मा के है, प्रकृति कफ की है, सर्वसंपूर्ण लक्षण है और दूष्य श्लेष्म प्रधान यानी रस मेद मांस है। ऐसे व्याधियों में रस रक्त मांस भेद ऐसे व्याधियों में आपको इस विषय का चिंतन करना पड़ेगा। फिर से बताता हूं, हेतु श्लेष्मा करने वाले बहुत हैं, जैसे दिवास्वाप, अव्यायाम, गुरु भोजन, कष्ट नहीं करना, सुखार्थी। ऐसे जो व्यक्ति हैं इनमें त्यक्त व्यायाम और चिंताश्च, जिन्होंने व्यायाम और चिंता छोड़ दी है, ऐसे व्यक्तियों में श्लेष्मा वृद्ध बलवान होता है। उसमें भी उनकी प्रकृति कफ जो होती है देश अनुप होता है और दूष्य भी रस मांस मेद होता है। ऐसे इनको महाबलवान श्लेष्मा महा माना जाता है। और जहां मध्यम है वहां पर आप रुक्षण कर सकते हो द्रव्यों से, और जहां बहुत ही कम है वहां आप एक दो दिन में रुक्षण करके काम चला सकते हो। इसमें भी आपको ह्रस्व, मध्य और उत्तम ऐसे तीन तुलनात्मक स्थितियां सोचनी पड़ती है। अब इसके लिए, अब इसमें मैंने कहा कि पहले शोधन करना चाहिए, तो उसके लिए हम संदर्भ देखेंगे महारोगाध्याय अध्याय 20 श्लोक नंबर 19। महारोगाध्याय श्लोक नंबर 19। अब देखिए, ये श्लेष्म विकारों की सूची है और श्लोक नंबर 19 में, 18 में वो कह रहे हैं कि सर्वेषु अपि खलु एतेषु, इन सब में यदि दोष बलवान है, हेतु बलवान है, तो श्लेष्मा के स्नेह, शैत्य, शौक्ल, गैरव, गौरव, माधुर्य, पैचिल्य आदि आत्मरूप प्रकट होते हैं और निद्राधिक्य, तंद्रा, गुरुवात्रता, आलस्य, मुखमाधुर्य, मुखश्राव, ऐसे गलगंड, अतिस्थौल्य, शीताग्निता, श्वेत मूत्र वर्चस्व, ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं। अब इनमें तीन गट करना है, ह्रस्व, मध्य और उत्तम। वर्णन जो चल रहा है उत्तम का चल रहा है, मध्यम का नहीं चल रहा है ये वर्णन। अभी जो हम जिस श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, तेषां संशोधनात्रुते स्नेहरम यशस्तम, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम। यहाँ पर अधिकरण बलवान दोषों का है और इन बलवान उत्तम दोषों में, मध्य बल भी नहीं, उत्तम बल दोषों में चिकित्सा क्या कहते हैं। देखिए श्लोक नंबर 19 की पहली तीन पंक्ति, पहला पूरा श्लोक पढ़ो फिर मैं विश्लेषण करता हूं। तम तम कटु कटुक तिक्त कषाय तीक्ष्ण उष्ण रुक्षैः उपक्रमैः उपक्रमेत स्वेद वमन शिरोविरेचन व्यायामादिभिः श्लेष्महरैः मात्रां कालं च प्रमाणीकृत्य वमनं तु सर्वोपक्रमेभ्यः श्लेष्मणि प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजाः तद्ध्यादित एवं आमाशयम् अनुप्रविश्य योहो रोगतम केवलम वैकारिकम श्लेष्ममूलम ऊर्ध्वम उत्क्षिपति
त्राव जीते श्लेष्मणि अपि शरीरांतरगताः श्लेष्म विकाराः प्रशांतिम आपद्यन्ते यथा भिन्ने केदार सेतौ शाली यव षष्टिकादीनि अन्य अभिशन शाली यव षष्टिक आदिनी अनभिषंदी अभिषंद माना अन्य अंभसा प्रशोषम आपद्यन्ते तद्वत इति। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अब देखिए, तम तम इति श्लेष्म विकारम श्लेष्म दोषम तम कटुतिक्त कषाय कषाय तीक्ष्णोष्ण रुक्षैः उपक्रमैः। देखिए, शब्द का प्रयोग कैसे किया है वो ध्यान में रखो। तम कटुतिक्त कषाय तीक्ष्णोष्ण रुक्षैः। अब देखिए, कटु तिक्त कषाय तीक्ष्ण उष्ण, ये सभी रस हैं और ये सभी रुक्ष है, अग्नेय और वायवीय है, तीक्ष्णोष्ण है। अब इसके बाद कहते हैं रुक्षै ही उपक्रमै ही, उपक्रमे। अब यहां रुक्षै ही उपक्रमै ही ये शब्द शमन और शोधन चिकित्सा दोनों के लिए है। अब रुक्षण उपक्रम क्या है? अगले एक तो अपने कटुतिक्त कषाय बता दिए, ये शमन के लिए है। और अब कहते हैं पहला शब्द स्वेद है, स्नेह नहीं है, स्वेद वमन। ऐसे रोगी को स्वेद देना है दो दिन तीन दिन, और उत्क्लेशक द्रव्य देकर वमन करवाना है। स्वेद वमन, स्वेद शिरो विरेचन, ये करना है। और उसके बाद आवश्यक हो तो अगले उपक्रम करें, पहले ये करना है। बलवान व्यक्ति में ये करना है, और बलवान के साथ साथ और एक शब्द महत्व का है, वो है यदि दोष आमाशय में चलित है तो। यदि आमाशय में दोष चलित नहीं है तो कृपया ऐसे प्रयास नहीं करना। यदि दोष उत्कुट उत्कृष्ट है तो स्वयं चलित होते हैं, वो लक्षण करते हैं, वो बता रहा हूं मैं आप लोग अगले श्लोक में, और उनमें केवल आपको मदद करनी है, कैसे करना वही बताता हूं। लेकिन जहां पर दोष मध्य है चलित नहीं है वहां पर ये प्रयास विफल होते हैं, उसमें भी आगे विस्तार से बताऊंगा। कभी कभी बलवान दोष भी सामावस्था में होते हुए उत्क्लेशित होते हैं, और कभी कभी सामावस्था होते हुए भी उत्क्लेश नहीं होता। ये दो अवस्थाएं भिन्न है। बलवान दोष है, अमावस्था है, और आमाशय का उत्क्लेश है, और एक में इन सभी स्थितियों में श्लेष्मावस्था सामावस्था महाश्रोतस भी दुष्ट लेकिन उत्क्लेश नहीं है, ऐसी अवस्थाएं हो सकती है। तो इस अवस्था को अलग निकालना है, और जहां पर दोषोत्क्लेश है, बलवान हेतु है, उत्तम दोष है, उत्तम मात्रा में है, और स्वयं चलित है और समावस्था नहीं है, और समावस्था है और स्वयं चलित है, दोनों है। एक अवस्था दोष उत्कृष्ट है, चलित है, निरामावस्था है। दूसरी अवस्था दोष उत्कट है, समावस्था में है, दोष समावस्था में होते हुए भी उत्कृष्ट है,
और तीसरी अवस्था होती है दोष बलवान है, समावस्था है लेकिन उत्क्लेश नहीं है, ऐसी तीन अवस्थाएं होती है। फिर से बताता हूं, पहली अवस्था हेतु बलवान, दोष बलवान, आमाशय में उत्क्लेश निरामावस्था। दूसरी अवस्था हेतु बलवान, दोष बलवान, आमाशय में उत्क्लेश और समावस्था है, इस पे निकाल देना है। तीसरी अवस्था हेतु बलवान, दोष बलवान, समावस्था, आमाशय में उत्क्लेश नहीं है, ऐसी तीन अवस्थाएं होती है। और यह अवस्था पहचानना ये अनुभव के बाद ही आता है, बार बार जितने रुग्ण देखोगे तो यह अवस्था स्वच्छ होती है, और ऐसी अवस्थाओं में फिर आप निर्णय कर सकते हो यहाँ पर क्या करना है। तो अभी यहाँ जो वर्णन चल रहा है ये निराम अवस्था का चल रहा है। 19 नंबर के श्लोक में निराम अवस्था का श्लोक चल रहा है, इनमें श्लेष क्या कहते हैं, स्वेद और वमन देवो, और उसके बाद शिरोविरे चंदो, और उसके बाद फिर उन्हें चिकित्सा करते रहो, कटोतीर्थ का शासन चिकित्सा करते रहो, ये करना है। अब क्यों ऐसे करना है, तो उसका जो उदाहरण, उसका जो दृष्टांत दिया है वो बहुत ही सुंदर दिया है, उसको हमें समझना है। देखिए पूरे शरीर में श्लेष्मा है, बलवान दोष है, मेद में है, मांस में है, रस में है, रक्त में है, शिर में है, सब में बलवान बलवान है। इस अवस्था में समावस्था नहीं है, दोष उत्क्लेश है। अब ऐसी अवस्था में ग्रंथकार कहते हैं कि वमनम तु सर्वोपक्रमेभ्यः प्रधानतमं श्लेष्मणी, श्लेष्मणी सप्तमी है, उपक्रमेभ्यः तुलनात्मक पंचमी है, तुलना के लिए सभी उपक्रमों में प्रधानतम कौन है, वमनम, वमनम तु प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजाः, मन्यन्ते ये क्रियापद है, भिषजाः चिकित्सक प्रधान मानते हैं, क्यों उसका कारण बताते हैं। कारण कहते हैं कि तद ही यहां पर तद शब्द है और ही शब्द है, तो उसका ध बनकर तत् का ध बनता है, और फिर तद ही ह का ध बन जाता है, तद ही आदित मानी पहले, आदित एव आमाशयम अनुप्रविश्य, एव अलग निकालना है, आमाशय अलग निकालना है, आमाशयम अनुप्रविश्य उरोगत केवलम वैकारिकम मूलम उत्क्षिपति, आमाशय में दोष हेतु औषध जाता है, और ये क्या करता है, आमाशय में उत्क्लेश है ही, और ये उरोगत श्लेष्मा, उरोगत श्लेष्मा का अर्थ है आमाशयगत और उरोगत, ये कौन सा श्लेष्मा, संपूर्ण वैकारिक श्लेष्मा जो सभी श्लेष्मा का पोषण करता है। स्वेद दिया है अपने, स्वेद देने से दोष कोष्ठ में आए हैं, क्योंकि वो निरामावस्था में है, वृद्ध है, वृद्धाविच्छन्दनात्, यहाँ पाकात का संपर्क नहीं है, अपने आप आ गए हैं क्योंकि निराम है, वृद्धि है, विच्छन्दन कर दिया आपने स्वेदन से, वो कोष्ठ में आ गए हैं, आमाशय में आ गए हैं, और ये वैकारिक श्लेष्मा जो आमाशय में आया हुआ है, वैकारिकम श्लेष्म मूलम, ये अन्य श्लेष्माओं का मूल है, ये पोषण करता है, ऊर्ध्वम उत्क्षिपति ऊपर की ओर से बाहर निकाल देता है, उत्क्षिपति ऊर्ध्वम उत्क्षिपति उखाड़ कर फेंक देता है, निकाल कर फेंक देता है, इस अर्थ में उच्च शब्द है, क्षिपति बाहर फेंकता है, क्षिप धातु फेंकना, उत्क्षिपति
तृतीय पुरुष एकवचन क्रियापद है। अब ये निकष्टेश्मा निकल गया, क्या परिणाम होता है? तत्र अवजिते श्लेष्मणी अवजिते सप्तमी है, श्लेष्मणी सप्तमी है, तत्र समास हुआ है, संधि हुआ है, तत्र अलग निकालना है, अवजिते अलग निकालना है, तत्र ये सप्तमी वाचक शब्द है, अवजिते भी सप्तमी है, श्लेष्मणी भी सप्तमी है, इसको कहते हैं सती सप्तमी। तत्र अवजिते श्लेष्मणी, श्लेष्मा को जीतने के बाद यानी बाहर निकालने के बाद क्या होता है, हालांकि पूरे शरीर का श्लेष्मा बाहर नहीं निकाला, तथापि इसलिए आप शब्द आया है, जबकि हमने पूरे शरीर का श्लेष्मा को नहीं निकाला है, फिर भी शरीरांतर्गत श्लेष्मा, रसगत, मेदगत, मांसगत, ये सभी श्लेष्माएं प्रशांति में अपद्यते, ये अपने आप शांत हो जाते, क्यों? इनका पोषण बंद कर दिया आपने, इनको बार बार पुष्ट करने वाला आवाशस्थ श्लेष्मा हमने निकाल दिया है। अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, बड़ा अच्छा है, उन्हें उत्तरांत दिया है, मैं पहले आपको दृष्टांत बताता हूँ फिर श्लोक पढ़ेंगे। एक खेती है, खेती में पानी बहुत हो गया है, खेती मजदूर क्या करता है, खेती करने वाला बांध तोड़ देता है, पानी निकल जाता है, जैसे पानी निकल जाता है, पानी कम होता है, तो कुछ दिनों में जो पानी ज्यादा होने से फसल पीली पड़ गई थी, गीली और पीली पड़ गई थी, वो अपने आप अनभिच्छिन्नमान हो जाती है, उनका अभिच्छिन्न अपने आप कम हो जाता है, इसलिए शब्द का प्रयोग किया है, षष्टिकादीनी अनभिच्छिन्नमानानि प्रशोषम आपद्यन्ते, इनका पोषण नहीं होता, अभिछंद का पोषण नहीं होता और वो अपने आप प्राकृत अवस्था में आ जाते हैं। उसी प्रकार आप श्लेष्मा को निकाल देते हो तो बाकी श्लेष्मा का क्षय होने लगता है, शरीर का रुक्षण होने लगता है। इस प्रकार अभी श्लोक पढ़ेंगे, बोल श्लोक तो उसका भी अर्थ कैसे लगाना समझ जाएंगे। श्लेष्मणी प्रशांति में अपद्यते यथा, जिस प्रकार भिन्ने सेतौ, सेतु यानी बांध, किसका, केदार, इसलिए केदार सेतु, ये सामासिक शब्द हुआ, केदारस्य सेतु, केदारस्य सेतु, और उसकी सप्तमी की है, भिन्ने केदार सेतु, क्षेत्र का सेतु यानी बांध तोड़ दिया, भिन्न कर दिया, भेद कर दिया, क्या होता है, शाली यव षष्टिकादीनी, यहाँ आदिनी शब्द है, ह्रस्व इकार है, और उसका संधि बनते हुए यह बन गया है, आदिनी अनभिच्छिन्नमानानी, ओ और य, आदिनी नी और ओ का यह बना है, इसलिए अनभिच्छिन्नमानानी षष्टिकादीनी, नी अलग कर दिया, अनभिच्छिन्नमानानी, अब यहां पर भी अन अभिष्यन्द्य मानानी, ये मानानी शब्द में निरस्व है तो उसको भी निकालना, अलग निकालना है, और अंबसा ये तृतीया है, अंबसा शब्द अलग निकालना है। अब वाक्य ऐसा बनता है, अंबसा अनभिश्चंद मानानी, क्यों, केदार भिन्न, सेतु भिन्न किया है, पानी निकल गया है, पानी नहीं बचा है, तो जो अभिछंद हो रहा था उसका अभाव हो गया है, इसलिए शब्द का प्रयोग किया है, अनभिच्छिन्न मानानि अंबसा, अंबसा तृतीया है, पानी से जिनका अभिच्छिन्न नहीं हो रहा है, अब यहां पर अभिच्छिन्न मानानि, ये कर्मणि प्रयोग है, अभिच्छिन्नन्ते, और उसका अंत्य निकालकर उसको मान शब्द लगाकर वकाधवी किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
जो पानी निकाल देने से उसका पोषण बंद हो गया है, तो ऐसे शाली षष्टिक यव आदिनि प्रशोषम अपद्यन्ते, वो अपने आप सूखने लगते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। उसी प्रकार श्लेष्मोक्त श्लेष्म आपने निकाल दिया आमाशयस्थ, तो वो भी अन्य श्लेष्मा पोषण अभाव में सूखने लगते हैं। ये दिया हुआ ग्रंथकर्ता का वचन है, इसी को कहते हैं दोष विपरीत अर्थकारी। ये एक दोष विपरीत यानी कटुतिक्त कषाय, ये रुक्ष है, और ये शोधन कैसा है, विपरीत अर्थकारी है। हेतु दोष के रुक्षण करने वाला किंतु विपरीत अर्थकारी है। अर्थ विपरीत होता है यानी रुक्षण ही होता है, लेकिन हमने रुक्षण किया नहीं है, वमन किया है, तो वमन से रुक्षण होता है, तो इसका वर्णन ग्रंथकार कहते हैं विपरीत अर्थ, अर्थ यानी विषय, ये अर्थ यानी कार्य, विपरीत कार्य करने वाली क्रिया हमने की है, शमन नहीं किया हमने, विपरीत अर्थ कार्य, विपरीत नहीं किया, विपरीत को शमन कहते हैं, और विपरीत कार्य करता है लेकिन विपरीत कृति नहीं है, शमन नहीं है, तो उसको विपरीतार्थ कार्य कहते हैं। तो विपरीत कार्य चिकित्सा से इसमें दोष अपने आप क्षीण होने लगते हैं, उनका रुक्षण हो जाता है। इस प्रकार अब ये इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उदाहरण के साथ बताता हूं। पुरुषतम में श्लेष्मा उरुगत श्रोतसो में गंभीर स्थिति में बैठा रहता है, और इसलिए ग्रंथकार कहते हैं पुरुषतम्भ के ये दोष जो गंभीर स्थानों में गए हैं, इनको वमन विरेचन बस्ती से कुछ नहीं होता, इसलिए पुरुषतम्भ में पंचकर्म काम नहीं करता। इस वाक्य का अधिकरण क्या है, गंभीरस्थ दोषों का शोधन नहीं करता। इसका दूसरा अर्थ है आमाशयस्थ दोषों का शोधन हो सकता है, इसलिए स्वेदन देकर उत्क्लेशक द्रव्य देकर आप आमाशयस्थ श्लेष्मा निकाल दो तो गंभीरस्थ श्लेष्मा का पोषण बंद हो जाता है, और फिर आपकी शमन चिकित्सा शीघ्रता से काम करती है, क्योंकि आपने हेतु बंद कर दिया और उनका पोषण ही बंद कर दिया। इसलिए उरुस्तंभ में गंभीरस्थ दोषों को निकालने के लिए शोधन काम नहीं करेगा, लेकिन जो दोष गंभीर नहीं है, घूम रहे हैं, आमाशय में भी आ रहे हैं, ऐसे दोषों को आप निकाल कर उरुस्तंभ में रुक्षण कर सकते हो। ये इसका अभिप्राय है। ये हुआ रुक्षण करने के लिए दोषों को निकालने का एक प्रयास। अब देखिए स्वास्थ्य चिकित्सा निकालिए, स्वास्थ्य चिकित्सा श्लोक नंबर 70 से लेकर 75 तक, 76 तक। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 70 कारण स्थान मूल क्या देकम एव चिकित्सितम द्वयोहो अपि यथा दृष्टम ऋषिभिः तन्निबोधत हिक्का श्वासार्दितम स्निग्धैः आदौ स्वेदैः उपाचरेत आक्तम लवणतैलेन नाडी प्रस्तर संकरैः तैः अस्य ग्रथिताः श्लेष्मा स्रोतः स्वभिविलियते खानी मार्दवम
आयांति ततो वातानुलोमता यथा अद्रिकुञ्जेषु अद्रिकुञ्जेषु एव अर्कांशु तप्तं विषन्दते हिमं श्लेष्मा तप्ताः स्थिरो देहे स्वेदैः विषन्दते तथा स्विन्नं ज्ञात्वा ततः तूर्णं भोजयेत् स्निग्धं ओदनं मत्स्यानां शूकराणां वा रसैः दधि उत्तरेण वा ततः श्लेष्मणि संवृद्धे वमनं पायेत्तु तं पिप्पली सैन्धव क्षौद्रैः युक्तं वात अविरोधीयत् निर्हुते सुखम् आप्नोति स कफे दुष्टविग्रहे स्रोतःसु च विशुद्धेषु चरति अविहतो अनिलाः। बस अब मैं इसको समझाता हूं। अब देखिए श्वास व्याधि में संप्राप्ति या तो रसवह में या तो प्राणवह में या तो उदकवह में या तो मूत्रवह में अवरोधात्मक हो सकती है। अति श्लेष्मवर्धक अति शीत स्थान आसन आहार इनके परिणाम स्वरूप इनमें से किसी स्रोतस में स्रोतस संकोच अथवा श्लेष्मा का स्थानत्व होना वृद्ध बढ़ना इसके कारण श्लेष्मा उदक अन्य स्रोतों से विरुद्ध गति में प्रवास करता हुआ जब प्राणवह में बढ़ता आता है तब श्वास उत्पन्न होता है। अभी विस्तार से नहीं बताऊंगा, मैं ये अध्याय बताऊंगा तब फिर बताऊंगा। तो इस अवस्था में ग्रंथकर्ता चिकित्सा बता रहे हैं। पहले नाड़ी प्रस्तर संकरैहि स्वेदैहि स्निग्धैहि उपाचरेत आदौ। पहले स्निग्ध स्वेद और लवण तैल से अभ्यंग करते हुए और स्निग्ध स्वेद देते हुए नाड़ी प्रस्तर संकर से पूरे स्थान में और पूरे शरीर में दो। परिणाम क्या होता है? तई ही स्वेदई ही ग्रजित श्लेष्मा विलीयते, ग्रजित श्लेष्मा का विलन होता है। जैसे अद्रिकुंजेशु, अद्रिकुंज यानी पर्वतों के शिखर, उनमें हिमम बर्फ सूर्य की उष्मा से विलयित होता है और बहने लगता है, उस प्रकार ये स्रोतस में अवस्थित, इसलिए स्रोतस्सु शब्द आया है। स्रोतस्सु, स्रोतस्सु का सु का वह बना है संधि में, स्रोतस्सु अभिविलीयते वो विलीन हो जाता है और पूरे शरीर में भी जो स्थिर एक जगह बैठा हुआ अवरुद्ध करने वाला श्लेष्मा है वो भी विलीन हो जाता है और स्वेदेर विशिंदते। अब इसके बाद ये जानते थोड़ा सा श्वास वेग भी कम हो जाता है। खाने मार्दवायांति तथा वातावलोमता वायु का आवागमन सुंदर तरह से होने लगता है, यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होता है और डिफिकल्टी इन इंस्पिरेशन भी कम होती है। तो इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन दोनों में डिफिकल्टी कम होती है। इस अवस्था में फिर अब क्या करो? स्विंदम द्यात्वा भोजयेत स्निग्धम ओदनम। अब इसको स्निग्ध भोजन दो, स्निग्ध चावल दो, शुकर का दधि उत्तरवा, शुकर मांस शुकर मत्स्य अथवा दधि युक्त स्नेह युक्त ओदन दो और ये ओदन देकर श्लेष्मा बढ़ जाता है, उत्क्लेशित हो जाता है। वमनम तो पाए पिप्पली सैंधव क्षौद्र युक्त ही, पिप्पली से बदन, पिप्पली से सैंधव से उसको शोधन करो,
और ये शोधन होने के बाद कफे दुष्ट विग्रह निर्होते, कफे दुष्ट विग्रह निर्होते, दुष्ट स्थानाश्रित श्लेष्मा निकल जाता है और रोगी को सुख मिलता है। कैसे मिलता है? श्रोतसु विशुद्धेशु चरति अवहितो अनिलः, रुद शुद्ध स्रोतों में प्राणवह में वायु उत्तम प्रवास करता है और अन्यत्र भी अवरोध बंद हो निकल गया हो श्वेत से तो वो भी अपना कार्य करते हैं। ये रुक्षण का एक तरीका है। श्वास में एक श्लेष्म प्रधान व्याधि है, मैंने अपने प्रारंभिक जीवन में लगभग 4 से 5 साल तक श्वास व्याधि में स्नेहन पूर्वक वमन करने का प्रयास किया, परिणाम ये दिखा कि एक दिन तो ठीक रहता है लेकिन दूसरे दिन ज्वर आता है, तीसरे दिन श्वास फिर शुरू हो जाता है। अब इतना होने के बाद मेरे मन में आशंका उत्पन्न हुई, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं, तो वहां से मैंने इस विषय पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। तब मुझे अकस्मात एक दिन वाग्भट पढ़ाते पढ़ाते, मैं स्नेहाध्याय पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते श्लोक आ गया, मांसरा भूरिश्लेष्माणः मेदुरः तान् पूर्वं रुक्षयेत्। इनको पहले रुक्षण करना है। और उसी समय मैंने चरक में भी पढ़ा उसी समय, तो उसमें ये श्लोक मिला कि येषां रुक्षणं संप्रवक्षते तां सेहनं न शस्तं संशोधनात्रते, इन व्यक्तियों को जिसमें श्लेष्मा व्याधि है इनको पहले एक शोधन देने के बगैर आप स्नेहन मत करो अथवा रुक्षण करो, द्रव शमन देकर अथवा वमन देकर रुक्षण कराओ। व्याधि विपरीतार्थकारी, दोष विपरीतार्थकारी, हेतु विपरीतार्थकारी करके फिर आप स्नेहन करो। इस प्रकार आपको रुक्षण इनमें करना पड़ता है। दूसरा उदाहरण इस प्रकार आप कर सकते हो। और मेरे छात्र नांदेड़ के जितने भी हैं उनको मैंने ये प्रत्यक्ष करके दिखाया है। हमारे एक छात्र है भोसले नाम के, अभी वो प्राध्यापक प्रोफेसर है, उनका डिसर्टेशन श्वास व्याधि में वर्षा और हेमंत दोनों में सद्योवमन के ही है। सद्योवमन करके वेग दूसरे दिन कम हो जाता है और फिर साल भर वेग नहीं आते हैं। अन्य उपक्रम करते हैं, हम रुक्षण करते हैं, वो करते हैं बलधन का कार्य करते हैं। इस प्रकार काम हो चुका है, इसलिए ऐसे रुग्णों में पहले शोधन करना है अवस्था देखते हुए। अब दूसरा उदाहरण, अब ये मैंने बताया ये निराम अवस्था का, अब हम समावस्था का उदाहरण देखेंगे। एक पहला उदाहरण समावस्था का, ग्रहणी अध्याय, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय ग्रहणी, श्लोक नंबर 73, 74, 75। ग्रहणिम आश्रितम दोषम विदग्ध आहार मूर्छितम सविष्टम्ब प्रसेक अरति विदाह अरुचि गौरवैहि आमलिंग
आमलिंगान्वितं दृष्ट्वा सुखोष्णेन अम्बुनो उद्धरेत फलानां वा कषायेण पिप्पली सर्षपैः तथा लीनं पक्वाशयस्तं वा अपि आमं श्राव्यं सदीपनैः शरीरानुगते सामे रसे लंघनपाचनं विशुद्ध आमाशय यास्म आमाशयाय अस्मै अस्मै पञ्चकोलादिभिः श्रुतं दद्यात् पेयादि लघु अन्नं पुनर्योगांश्च दीपनान् ज्ञात्वा तु इतना इतना काफी है। देखिए गृहिणी में अग्नि मंद होता है, मैंने अभी शायद नहीं बताया आपको पहले, लेकिन गृहिणी का गृहिणी की चिकित्सा यानी अग्नि की चिकित्सा है। यहाँ पर अग्नि किस दोष से मंद हुआ है उसकी चिकित्सा करनी है। अब यहाँ पर तीनों में वातज पित्तज कफज में अग्नि मंद होता है, ये तीनों के लिए चिकित्सा है, केवल वातज पित्तज की नहीं है, कफज नहीं, ये तीनों की है। इसलिए शब्द कैसा है, ग्रहणी ग्रहणीम आश्रितम, ग्रहणीम ये द्वितीय एक वचन है, आश्रितम द्वितीय एक वचन है, दोषम आश्रितम द्वितीय एक वचन है, विदग्धाहार मूर्छतम द्वितीय एक वचन है। और ये दोषम के सभी विशेषण है, दोष कैसा, विदग्ध आहार मूर्छतम, ये सामासिक शब्द है, तो विदग्धेन आहारेण वृद्धम, ये उसका विग्रह होगा। विदग्ध यानी अपाचित आमो, आम आहार से बड़े हुए दोष कौन से, ग्रहणीम आश्रितम। क्या करना है, कैसे, उसके लक्षण बताते हैं। एक, विष्टम्भ है, पेट साफ नहीं हो रहा है। दो, प्रसे के मुखश्राव लालाश्राव हो रहा है। तीन, पेट में दर्द हो रहा है। चार, उदर में विदाह है। पांच, गौरव है। छह, अरुचि है। और अन्य कोई छुटपुट आमलक्षण भी है, शब्द महत्व का है। आमलिंगान्वितम दृष्ट्वा, आमलिंग है, गौरव है, श्रोतोरोध है, आलस्य है, तंद्रा है, किंतु प्रसेक है, मुखश्राव है, उदर शूल है, उदर गौरव है। इस अवस्था में आपको क्या करना है, सुखे सुखोष्णेन, सुख उष्ण सुखोष्ण, सुखाय उष्णम सुखोष्णम, जो विदाह न करे ऐसा सुखोष्ण, अम्बुना तृतीया, सुखोष्णेन तृतीया, अम्बुना तृतीया, उद्धरेत क्रियापद, सुखो सुखेन सुखोष्णेन अम्बुना उद्धरेत इति वमयेत वामयेत, क्यों वा, फलानाम कषायेण वामयेत अथवा पिप्पली सर्षपई वामयेत, इस प्रकार एक वमन दे दो, अथवा लीनम पक्वाशयस्थम अपि आमम सदीपने ही श्राव्यम, हरित के देकर उसको निकाल दो, पाचन करके, हरित के पाचन करके निकालती है इसलिए उसको देना है। इस प्रकार सामावस्था में आमाशय में उत्कृष्ट दोष हो अमावस्था में भी, इसलिए आमलिंगान्वितम दृष्ट्वा श्वेत देकर आमाशय से निकाल दो, गर्म पानी पिलाओ, अपने आप दोष निकल जाते हैं, अपने आप निकल जाते हैं, कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा इतिहास देख लो, कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, लगातार कुछ ऐसे गड़बड़ किया है क्या, देख लो, तो उससे पता लग जाता है कि इसने गड़बड़ बहुत किया है, एक वमन दे दो, बिना किसी के इसके वमन हो जाता है, एक स्वेद और बस थोड़ी सी मात्रा गर्म पानी के या तो लवण उदक के दे दो,
मैं अक्सर बच्चों में जब ये अवस्था होती है तो मैं उनको कुछ नहीं देता, थोड़ा सा कह देता हूँ घर में कि थोड़ा सा गर्म पानी गुनगुना पानी पिला दो, जैसे गर्म गुनगुना पानी आधा ग्लास पी लेते हैं भाड़ से उल्टे हो जाते हैं और ज्वर कम हो जाता है। मैंने एक किस्सा बताया था, फिर एक बार बताता हूँ। हमारे एक मित्र हैं औरंगाबाद में, उनके मेरे साथ काम करते थे, उनके छोटे पुत्र थे लगभग 3 या 4 साल के होंगे, उनको बहुत बुखार आया था, वायरल करके उसका डायग्नोसिस किया था डॉक्टर ने और कहा था कि इसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, वायरल हाइपरपाइरेक्सिया है। अब उसके बाद वो बच्चा थोड़ा होशियार था, उसने कहा अपने पिताजी को मुझे वो मधुएष्टी की 4 गोलियां दे दो, मुझे मुंह में पानी आ रहा, ऐसे लग रहा उल्टी होने वाली है। तो उसने मधुएष्टी की 5 गोलियां उसको पानी में घोल कर पिला दी और जैसे वो गर्म पानी मधुएष्टी का पानी पिया वैसे जोर से उल्टी हुई और पेट साफ हो गया और पेशेंट का बुखार कम होकर सामने पेशेंट खेलने चला गया। अब डॉक्टर का फोन आया, अरे आप आए नहीं, क्यों नहीं आए, दोस्त थे वो भी, तो उन्होंने कहा कि उसको उल्टी हो गई, वो ठीक हो गया, खेल रहा है बाहर। उसके बाद फिर अपने यानी नित्य की सुदर्शन घरावटी वगैरह से दवा देकर वो बच्चा ठीक हो गया। ऐसे अक्सर होता है, मैं अक्सर करता हूँ, जब मैं पेडियाट्रिशियन के रूप में काम करता था हॉस्पिटल में तो मैं अक्सर बच्चों को गर्म पानी पिलाकर टंगड़ी पर शोषे उनकी जिह्वा को थोड़ा सा दबा देता, पेशेंट उल्टी कर देता था और हो जाता था। ऐसी युक्तियां करनी पड़ती है, तो समावस्था में भी आप वमन कर सकते हो, ये अवप्रदोष की चिकित्सा का सिद्धांत है। सभी अवप्रदोष, ये ग्रहणी का उदाहरण दिया मैंने क्योंकि वो स्पष्ट है, लेकिन आम प्रदोष जो सभी व्याधियों में आप एक आमा कर सकते हो, आमवात में भी कर सकते हो, बसरते आपको दोषों का उत्कलेश समझ में आना चाहिए और वो करना आना चाहिए। भोजन करके वमन दिला लो, स्वेद और दही युक्त चावल भोजन करके वमन दिला लो, ज्यादा मत करो, थोड़ा करो, एक वमन हो गया तो ये पेशेंट परिवर्तन बहुत लाभ मिलता है। ये हुआ एक। दूसरा उदाहरण, इतना काफी है या और दो? चलेगा हाँ, फिर और उदाहरण देखेंगे। अब देखिए ज्वर अध्याय, ज्वर अध्याय में चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 7 चिकित्सा स्थान 7 नहीं है, अध्याय 3, अध्याय 3 श्लोक नंबर 146। कफ प्रधानान अनुत्क्लिष्टान दोषान आमाशय स्थितान बुद्ध्वा ज्वरकरान काले वम्यानां वमनैहि हरित। बस अब यहां पर पढ़ते समय थोड़ा ध्यान देना है, कफ प्रधानान ना और आगे न है, उनो हलंत होता है, तो कफ प्रधानान यह अलग निकालना है। प्रधान शब्द का ये द्वितीय एकवचन है, द्वितीय बहुवचन है, रामम रामौ रामान द्वितीय, तो कफ प्रधानान, तो प्रधानान का आधा अ निकल गया, न इधर निकल गया, अब रहा उत्कृष्टान, कफ प्रधानान उत्कृष्टान, ये भी द्वितीय बहुवचन है, उत्कृष्टान दोषान
ये द्वितीय बहुवचन है। आवास स्थितान ये भी द्वितीय बहुवचन है। अब वाक्य हो गया कफ प्रधानान दोषान उत्कृष्टान दोषान आमाशय स्थितान दोषान बुधवा बुधवा ये त्वांतव्य है पूर्वकारवाचक समझते हुए जानकर। वो जानना है पहले कि ये कफ प्रधान है उत्कृष्ट है आमाशयस्थ है। कफ प्रधान क्या है? हेतु कफ प्रधान है। उत्कृष्ट कैसे दिख रहा है? मछली हो रही है, लालाश्रा हो रहा है। आमाशय में क्या है? गौरव है, शूल है। ज्वर करण वम्यानाम ममनोई हरेत, इनको वमन से हरण करो, काले योग्य अवस्था में लाकर प्रातः काल में करो। थोड़ा सा श्वेत आवश्यक हो तो श्वेत दे दो, दही चावल दे दो, या तो गर्म पानी दे दो, मधुष्टि डालकर थोड़ा सा, ज्यादा मत दो। अखंड पान नहीं करना है, अखंड पान की आवश्यकता नहीं है। एक गिलास पानी पिलाओ और थोड़ा सा मदन फल देना है तो दो, नहीं तो लवन जल दो, अपने आप अमन होना आवश्यक है, हो जाता है। तो ये अवस्था है। अब इसके बाद ग्रंथकर्ता आपको सूचना करते हैं इसके नीचे के श्लोक में, अनुपस्थित दोषाणाम, यदि आमाशय में उत्कलेश नहीं है और आप मदन फल पिलाकर जोर जोर से मधु जो जष्टिपान पानी पिलाकर जबरदस्ती से निकाल रहे हो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। यदि उत्कलेश है तो स्वयं निकलने वाले हैं, मदन मदन फल की भी आवश्यकता नहीं है। केवल गर्म पानी जब लवणों को दिया तो अपने आप पड़ जाते हैं, जबरदस्ती अंगुलियां डाल डालकर मत निकालो। अनुत्कृष्टान अनुपस्थितान दोषान, जो उपस्थित नहीं है यानी अनुत्कृष्ट है उनको मत निकालिए। यदि उनको निकालने का प्रयास करोगे तो वो चलित होंगे लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे, वो श्वास करेंगे, रुद्रोग करेंगे और सर्वदेहग धातुओं को दुष्ट करेंगे, इसलिए ऐसे नहीं करना है। इसलिए ये अवस्था समझनी चाहिए। इसलिए चरक का मैं उदाहरण दिया, आमावस्था है तो भी करना है, ग्रहणी का उदाहरण है। आमलिंगान्वितम दृष्ट्वा सुकोष देना उद्धरे, अब यहाँ पर मदन फल ज्यादा मात्रा में लेकर जबरदस्ती वमन नहीं करवाना है, तो यहाँ नमक का पानी पिलाकर अथवा यदि यष्टि वनों का थोड़ा सा पानी, आकंड पान भी नहीं करना है। यदि उत्कलेश है तो एक गिलास पानी से भी वमन हो जाता है, कोई जरूरत नहीं है मदन फल की, और अंगुलियां डालकर उल्टे करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल श्वेत दो, पेट पे दो काफी है। ज्वर में यदि आपको श्वेत को डर लग रहा है तो पेट पे दो, और थोड़ा सा नाड़ी श्वेत देने में कोई आपत्ति नहीं है। शीत ऋतु हो, वसंत ऋतु हो, थोड़ा सा नाड़ी श्वेत दो और दे दो, नहीं तो केवल गर्म पानी पिला के पेट पे श्वेत देकर वमन करा दो, ये भी चलता है। परिस्थिति, उष्मा, देश, इनका विचार निश्चित करना है, ब्लाइंडली नहीं करना कोई भी। तो अब इसका अधिक स्पष्टीकरण आपको देता हूं मैं, वो अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय तीन श्लोक नंबर चार। तत्र उत्कृष्टे समुत्कृष्टे कफप्राये चले मले स हृल्लास प्रसेक अन्नद्वेष कासविसूचिके सद्यो भुक्तस्य संजाते ज्वरे सामे विशेषताः वमनं वमनार्हस्य शस्तम्। सामे अपि विशेषताः, अन्यथा तो देना ही है, साम ज्वर में भी देना है। लक्षण क्या दिया है? तत्र उत्कृष्टे कफोत्कृष्टे, तत्र सप्तमी अलग निकालो, उत्कृष्टे तत्र और उ उसका ओ बना है, तत्र उत्कृष्टे सप्तमी है, समुत्कृष्टे सप्तमी है,
कफ प्राय सप्तमी है, चले सप्तमी है, मले सप्तमी है, ये सभी मलो मल के विशेषण है। तत्र उत्कृष्टे मले, तत्र समुत्कृष्टे मले, तत्र कफ प्राय मले, तत्र चले मले, यानी कितने चार विशेषण हुए हैं। उत्कृष्ट उत्कृष्ट है यानी बढ़े हुए है, हेतु बलवान है, ऋतु बलवान है, अनुकूल है, हेतु अनुकूल है, प्रकृति अनुकूल है, ऋतु अनुकूल है, देश अनुकूल है, और आमाशय में है समुत्कृष्ट। कैसे समझेंगे वो? प्रसेक रुल्लास है, प्रसेक रुल्लास है, यदि प्रसेक और रुल्लास इसका अर्थ है कि मल चलित है और हेतु बलवान है, हेतु कफ के है तो कफ प्राय है, ऐसे मलों को उसमें और लक्षण बताए हैं, अन्न द्वेष है, और दूसरा लक्षण एक है इस अवस्था में विसूचिका भी है, मल प्रवृत्ति भी हो रही है। इस अवस्था में क्या करो? सत्योभुक्तस्य संजाते ज्वरे सामे विशेषतः वमनम शस्तम वमनार्हस्य। अब इस वाक्य को समझने के लिए हम पहले टीका पढ़ेंगे और फिर आगे जाएंगे। तत्र तस्मिन् सप्तमी उत्कृष्टे स्वजन्म गुणकर्म लक्षणो अधिके कफप्राये बहुकफुले पित्ताख्ये वा इति गम्यते। समुत्कृष्टे स्वस्थानात् चलिते बहिः ते, गलत है, बहिर निर्याते बाहर निकलने वाले हैं, और तथा चले शिथिले उत्कृष्टे शात एवं एतत् कफोत्कृष्टादिकं दर्शयति सरुल्लास इत्यादि रुल्लासादीनां द्वन्द्वः सह तैः वर्तते यतस्तस्मिन्। वो छोड़ दीजिए, उसका कोई उतना महत्व नहीं है। तो उद्वमनम हृदयस्य प्रसेकः सद्योभुक्तस्य इत्यादि इद्रुशे मले सति सद्यकृताहारश्च ज्वरे संजाते विशेषेण सामे ज्वरे वामये। पेशेंट को भोजन दो और वमन दे दो, ज्वर में भी कर दो। भोजन नहीं दिया, उत्कृष्ट है तो गर्म पानी पिलाकर भी वमन हो सकता है, अनुभव की बात है, ये करके देखो। तो इस प्रकार ये करना चाहिए। चलित ध्यान में रख रहा है, ये चलित दोषों की चर्चा कर रहे हैं, जो जहां दोष चलित नहीं है वहां पर ममन का प्रयास नहीं करना है, ये मैंने पहले बताया है और फिर एक बार बताता हूं कि समावस्था में चलित दोष ना हो तो वमन करने का प्रयास मत करिए, उससे रुद्रोग आदि संभव है। और यही वाक्य वाग्भट ने भी लिखा है, उसका नंबर है 104 और 105। अभी मत निकालिए, छोड़ दीजिए उसको, जहां जब लिख लो 104 और 105 नंबर के श्लोक है, वहां पर इस बात को फिर से एक बार उन्होंने दोहराया है। यहाँ पर अधिकरण का एक विषय समाप्त हुआ, कौन सा? कि रुक्षण जिनको करना, लंघन रुक्षण करना है, उनको शोधन करके पहले फिर आप विरेचन कर, वमन विरेचन कर सकते हो। अब दूसरा मुद्दा, अब एक तो वमन का मैंने कहा, विरेचन दे सकते हो कि नहीं, देना है कि नहीं, तो उसके लिए भी संदर्भ देता हूं। निकालिए चरक चिकित्सा स्थान, नहीं एक मिनट,
चरक उधर अध्याय निकालिए, उधर चिकित्सा स्थान में उधर चिकित्सा। तेरा अध्याय तेरा है ना, अध्याय तेरा श्लोक नंबर 54 निकालिए। गड़बड़ हो गई। एक मिनट है, थोड़ी गड़बड़ हो गई श्लोक में लिखने में। तेरा ना चिकित्सा, तेरा चिकित्सा तेरा लिखने में गड़बड़ हो गई है थोड़ी। सर 63 आहे का, 60 61? हाँ, एक मिनट मैं काढून देतो, एक मिनट थांबा। अध्याय 15 अष्टांग उर्ध्व सूत्र स्थान 15। हृदय की संग्रह हृदय हृदय सर शोधन अधिकरण है 15वा हृदय चिकित्सा स्थान। श्लोक नंबर 2, 1 2 3 4 5। दोषोति मात्रोपचयात् श्रोतसो मार्ग निरोधात् संभन्ति उत उदरम् तस्मात् नित्यम् एनम् विरेचयेत्। ये मूल श्लोक है, पहला श्लोक है कि उदर उदर ये बहुदोषोत्थ व्याधि प्रायः होता है, इनमें श्रोतस का अवरोध होता है, इनमें नित्य विरेचन करे। यहाँ नित्य शब्द का अर्थ रोज ऐसा नहीं है, कृपया इस बात को लिख कर रखिए। नित्य का अर्थ रोज ऐसा नहीं है और उदर का अर्थ जलोदर नहीं है। उदर यानी उक्षी में होने वाला बलवान शोथ, वो रुक्क में हो सकता है, यकृत में हो सकता है, प्लेहा में हो सकता है,
अन्यत्र कहीं महाश्रोतस में भी हो सकता है, उन सबके लिए ये वर्णन है। तो शोत है, ये बलवान शोत है। तो इनमें अब देखिए अगला श्लोक क्या करते हैं, पाययेत, दूसरा श्लोक, पाययेत तैलम एरंडम समूत्रम सपयोपिवा। इस व्यक्ति में थोड़ा 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 समूत्र एरंड पिलाते रहिए, विरेचन नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा लेते रहना है। पायेत तैलम एरंडम समूत्र पयोपिवा मांस मासम द्वौ, दो मास अथवा एक मास तक पिलाना है। ये है पहले रूक्षण करने की प्रक्रिया। तो इसमें ज्यादा मात्रा में देना, पहले थोड़ा सा पाचन कर लेना है, आमाशय शुद्ध कर लेना है, आमाशय में दोष नहीं है, निरामावस्थाई है, ये देखने के बाद पहले यही करना है, पहले आमाशय में दोष का पाचन करा देना है, हेतु बंद कर लेना है, अग्नि थोड़ा सा दीप्त करना है, और उसके बाद फिर क्या करना है, पूरे शरीर में सामदोष है, पूरे शरीर में अवरोध है, कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ पर है, तो उसमें क्या करना है, कहते हैं अतिमात्र उपचया और मंदेग्नो मजने भुक्ते अपाकात दोष संचया, संप्राप्ति उदर की है, अपाक से होता है, मंदाग्नि से होता है। इसमें आमाशय शुद्धि यानी दोषों का पाचन करने के, उपवास इत्यादि करने के बाद फिर आप क्या करोगे, तैलम एरन एरंडम समूत्रम सपयोपिवा मास द्वौ दद्या, दो मास तक देना है, अथवा गव्यम मूत्रम महिषमेवा पिबेत क्षीरभुक्। इसको दो मास तक एरंड तेल गोमूत्र के साथ देना है अथवा पय के साथ देना है। और पहले शुरू में आहार में मुद्गयुष देना है, थोड़ा सा ये देना है, और फिर एक बार दूध परिणमन करने की क्षमता आ गई तो फिर कभी दूध कभी यूष, कभी दूध कभी यूष, ऐसे करना है। तो शीरभुक, इस प्रकार आप रुक्षण कर सकते हो बिना स्नेह दिए, विरेचन देकर भी कर सकते हो। यहाँ गोमूत्र रुक्षण है, वो अपना कार्य करता है, इस प्रकार आप विरेचन भी कर सकते हो। और इसी के आगे श्लोक नंबर 6 में देखिए, उसी के आगे 6 नंबर श्लोक, 5 और 6, हाँ 4, 5, 6 देखिए, पहले चार देखिए। रुक्षाणाम बहुवार्तानाम दोष संशुद्धि कांक्षिणाम स्नेहनीयानि सर्पीषि जठरघ्नानि योजयेत। यहाँ पर आपको सिद्ध किए हुए विरेचन करने वाले घृत भी आप दे सकते हो, स्नेहनीयानी वो भी दे सकते हो, और उसका वर्णन आगे गुल्ब में भी आपको यही करना है, ऐसा लिखा है। आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 6, 5 और 6। षट्फलम दशमूल मुस्ता आढ़क साधितम, अगली पंक्ति कहाँ गई, हाँ, नागर त्रिफलम कुचतलाड़कम मानसु कफमात्र भूत गुल्मे परमम हितम। ये भी विरेचन के लिए दिया हुआ, रुक्षण के लिए दिया हुआ घृत है। मस्तुना साधित्वा वेद, ये माता प्रधान में दोषों का रुक्षण, पाचन और रुक्षण करने के लिए ये घृत देने के लिए कहा है, नागर और मस्तु इनके साथ। इस प्रकार आप दोनों पद्धति से विरेचन और वमन करने से आप दोष शरीर का रुक्षण कर सकते हो। यहाँ पर मैं आज रुकता हूँ, बहुत समय लिया इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके बाद अगले सभी लक्षणों पर बात करूंगा, तृष्णा मूर्छा अन्नद्वेष
छर्भी जठरामय इत्यादि बात कल करूंगा अगले विषय में, आज यही रुकता हूँ। समय बहुत समय लिया नहीं सर, विषय खूब छान समझ This conference will now be recorded. वेद जेव्हा स्वेद द्यायचा आहे सर, स्वेद टेम्परेचर जब होता है तो स्वेदन कर सकते हैं, अगर 101 टेम्परेचर रहा तो फिर स्वेदन कराना या फिर स्पॉन्जिंग करवाना। नहीं प्रश्न नहीं समझना मला, पुनः। सर जेव्हा ज्वर में जब स्वेदन करना है वमन से पहले, तो वो जो स्वेदन करवाना है तो टेम्परेचर कितना, अगर 101 है तो फिर स्वेदन करा सकते थे क्या? हाँ 99 में करो, 99 तक करो, उसके ऊपर मत करो, तो उसके केवल पेट पे स्वेद करो बस। अच्छा, पेट पे थोड़ा सा गर्म पिशवे या गर्म कपड़ा के सेक दो, हो जाता है। हाँ। ज्यादा रहा तो केवल गर्म पानी पिला दो, हो जाता है, ज्यादा रहा तो स्वेदन की जरूरत नहीं रहेगी फिर, या फिर स्पॉन्जिंग करवाना? नहीं स्पॉन्जिंग नहीं कर सकते हो, स्पॉन्जिंग करो और गर्म पानी पिलाओ या ज्वराग्र द्रव्य देकर कम करा लो, तो उसके पहले गर्म पानी पिला दो, अपने आप हो जाएगा, स्वेदन की जरूरत नहीं है। गर्म पानी पिला कर वमन होता है तो पेशेंट अपने आप ठीक होता है, ज्वर भी उतर जाता है, ज्वर भी कम होता है अपने आप वमन होने के बाद। चरक चिकित्सा स्थान 15वें अध्याय में जो लीनम पक्वा शयस्तम वाला श्लोक आया है, तो उस अवस्था में विरेचन और बस्ती की अवस्था का निर्णय कैसे करेंगे? आमाशय शुद्धि के बाद यदि ग्रहणी और आमदोष ये कई दिनों से चल रहा है और ज्वर है, दाह है और अन्य उपद्रव है और बार बार मल प्रवृत्ति होती है, प्रवाहन होता है, समावस्था होती है, इस अवस्था में और शूल है, इस अवस्था में आप श्रवसन के रूप में श्राव्यम सदीपन ही दीपन द्रव्यों के साथ हरित की दे सकते हो, सैंधव डालकर अथवा गंधर्व हरित की अथवा गोमूत्र हरित की देकर आप थोड़ा 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 अनुलोभन कर सकते हो, एकदम विरेचन मत दो। श्राव्यम सदैपने ही अथवा उसको आप ये दे सकते हो, वर्ती दे सकते हो, नीचे है देखो किंचन वर्ती भी दे सकते हो, स्विन्नाभ्यक्तम निरूढ़ विरक्तम सम्यक शुद्ध रुक्षा तो उसको आप वर्ती भी दे सकते हो, वर्ती देकर और विरे कर सकते हो, जब दोष निकल थोड़े थोड़े निकल रहे हो, अल्प अल्प निकल रहे हो तो आप उसके लिए वर्ती दे सकते हो, नहीं तो गोमूत्र शुद्ध हरित की आप रोज थोड़ी थोड़ी देना और दोष निकाल देना, शूल हो, उदर गौरव हो, प्रवाहिका हो और कृते भी कृत कृत्यता हो, ऐसे लक्षण हो तो समझना कि दोष पक्वाशय में है, उदर गौरव है, प्रवाहिका है, शूल है, कृते भी कृत अकृतता है, बार बार जाना पड़ता है, संस्था में आप गोमूत्र हरिपति देकर वमन के बाद, वमन पहले करा देना, उसके पहले नहीं देना, नहीं तो आमाशय से दोष भी नीचे आते हैं और प्रॉब्लम बढ़ता है। मैं फिर से कहता हूँ, वमन देने के बाद ही ये श्रवसन करना है, उसके पहले श्रवसन करते हो तो उल्टी ही होती है, वमन विरेचन होता ही नहीं है, इसलिए पहले उल्टी करा लेना है और फिर श्रवसन देना है, और यदि उल्टी नहीं हुई तो दोष अधोगामी होकर उधर शूल बढ़ता है, विरेचन ज्यादा होते हैं, पेट में दर्द होता है, रोगी बहुत त्रस्त होता है, इसलिए आमाशय शुद्धि के बगैर श्रवसन मत दो। आमाशय का दोष पाचन कर लो, श्लेष्माक्षय कर लो, अग्निदीप्त कर लो और फिर श्रवसन दो, फिर चलेगा, उसके पहले मत दो। चलो और जी सर, इतने ही थे क्वेश्चंस। चलो तब गुरुवार ही